उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी मौसम को लेकर के और कहा था कि उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त हम जा रहे थे भरारीसेण विधानसभा, क्योंकि सत्र चालू है। आप देख सकते हैं कि इस मार्ग पर जगह जगह मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सत्र शुरू होने में मात्र 2 से 3 घंटे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और मौसम ख़राब दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि मार्ग अभी और कुछ देर तक अवरुद्ध रह सकता है। कुछ ही दूरी पर रुद्रप्रयाग के DM और SSP भी मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है, उसको देखकर लगता है कि कुछ समय के बाद रास्ता फ़िलहाल खोल दिया जाएगा। बात करने की कोशिश करेंगे अधिकारियों से। मैम, क्या लगता है कब तक ये मार्ग खुल जाएगा और कैसी आपकी बात हुई स्थानीय प्रशासन से? सर, क्या लगता है कब तक रास्ता खुल जाएगा और कैसी बात चल रही है? मशीन आ रही है, विल टेक इट। मशीन आ रही है पीछे से। चल, JCB मशीन बुलाई गई है रास्ता खोलने के लिए और इससे पहले भी मार्ग एक दो जगह अवरुद्ध हुआ था जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं फिलहाल, और सत्र शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है। सत्र शुरू होगा आज और 23 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग लगातार बता रहा है कि मौसम ख़राब रहने वाला है, मौसम ख़राब रहेगा और बारिश लगातार होती रहेगी, तो उसको देखते हुए लगता है कि सत्र में इस दौरान लगातार परेशानी बनी रहेगी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही है इस मार्ग को खोलने की। DM SSP भी मौके पर फंसे हुए हैं, बात करने की हमने कोशिश की लेकिन ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि उनका कहना है कि JCB को बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस मार्ग को खोला जाए। फिलहाल जिस तरह से मार्ग बंद है, उसको देखते हुए लगता है कि काफ़ी देर लगने वाली है, क्योंकि JCB मशीन अभी और जगहों पर रास्तों को खोलने की कोशिश कर रही है। अभी हमने देखा कुछ ही दूरी पर एक और जगह पर रास्ता बंद था, तेज़ बरसाती नाला आने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था और वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, उसे खोलने के लिए लगातार JCB मशीन लगी हुई थी। अभी फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर रास्ता बंद है और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर भरारीसेण है जहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू होना है। इसको लेकर के तमाम अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त उस ओर मूव कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश ने इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है और अवरुद्ध होने से इस पूरी सड़क पर आप देख सकते हैं किस कदर लंबी लाइनें लगी हुई हैं वाहनों की और लगातार गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सभी को जल्द से जल्द भरारीसेण पहुँचना है, गैरसेण पहुँचना है जहाँ पर सत्र होना है। वहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, प्रदेश के तमाम विधायक मौजूद हैं। ऐसे में लगातार हो रही बारिश इन रास्तों को बार बार बंद कर रही है। मेरे दूसरी ओर नदी है, देखेंगे नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का जो पानी है कल रात काफ़ी कम था, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हुई, इस बारिश ने इस नदी के जलस्तर को भी बढ़ा दिया है। कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग और तमाम जो रास्ते हैं इस पूरे इलाके के, वहाँ अगर बात की जाए तो 8 से 10 जगह पर वहाँ पूरा मार्ग अवरुद्ध है। मार्ग को खोलने का प्रयास स्थानीय प्रशासन कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश के कारण काफ़ी परेशानी आ रही है मार्गों को खोलने में। और जिस तरह से JCB मशीन आने के लिए अभी कहा गया है, जिस तरह से लगातार प्रशासन कहता है कि हर मार्ग पर हमारी JCB मशीनें मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि JCB मशीन यहाँ भेजी जा रही है और मार्ग को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।